नॉर्मल पटाखे नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हेलीकॉप्टर पटाखा और ये कुनाली के लिए गन है, देखो इसके अंदर ही पटाखे चलते हैं। और ये मेट्रो पटाखा, इसमें से अनार निकलते, और देखो शेप देखो मेट्रो की तरह है। और ये देखो कैन वाला अनार, और ये देखो रेनबो वाला पटाखा, और इसमें है अनार, बड़े वाले अनार। ये देखो भाई इतने सारे अनार हैं, और ये बड़े वाले अनार हैं, बहुत देर तक जलेंगे। और ये है फुलझड़ी, देखो कितनी बड़ी वाली फुलझड़ी है, ये देखो भाई कितनी बड़ी फुलझड़ी है, ये भी बहुत देर तक जलेंगी। तो चलो अब बुलाते हैं कुनाली को, कुनाली के रिएक्शन लेते हैं इन सारे पटाखों, स्पेशली कुनाली के लिए है। इनमें से कोई भी ज्यादा खतरनाक पटाखे नहीं है, सारे नॉर्मल है, कुनाली के लिए बेस्ट है, यूनिक यूनिक है। कुनाली आपके लिए कुछ है मेरे पास, आ जाओ, आपकी फेवरेट चीज क्या? आ जाओ गैस करो क्या होगा। पटाखे? हाँ ये सारे फेवरेट है। हेलीकॉप्टर वाला ये क्या है? ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही जलाओगे इनको? हाँ सारे आपके लिए है, ये सिर्फ इतने बड़े अनार। ओह ये नहीं है आपके लिए कुनाली, ये नहीं है, पागल है क्या? अरे ये नहीं है, ये हम अपने लिए लाए। गाइस मेरे को तो ये मेट्रो वाला ट्राई करने की, ये कैसा होगा? अरे हाँ ये तो दिन में अच्छा लगेगा ना, चलो फिर नए घर पे चलते हैं। चलो तो अभी नए घर पे आ गए, यहाँ पे जलाते हैं ये वाला। पीछे 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 पीछे, अरे पीछे जा, अरे फटा ही नहीं है तो। अबे आग लग गई, आग लग गई, अबे आग लग गई। ओ भाई कितना मस्त है लेकिन, अबे अभी भी निकल रहा है। अरे हाथ में मत लियो, हाथ में मत लियो भाई, फट सकता है। आप जला रहे कुनाली, जला दिया जला दिया। अबे नीचे नहीं, नीचे नहीं, ओए नीचे गिर गया। तीन एक साथ, तीन एक साथ। अबे क्या कर रहे हो यार, अबे ये क्या कर रहे हो, अबे ये क्या हो गया? तो गाइस अब देखते हैं अपना किचन गार्डन। ये देखो भाई पालक और लाई कितनी मस्त लग रही है, अब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना, फिर तोड़ के खा सकते हैं हम सब्जी बना के मस्त। और यहाँ पे देखो धनिया हो गया, इतनी सारी मिर्ची भी लग गई है, देखो भाई इधर भी पौधे आने शुरू हो चुके हैं, यहाँ प्याज भी लगा हुआ है, देखो छोटा सा किचन गार्डन लेकिन मस्त है। तो अभी गाइस तीन गिफ्ट आए हैं, इस पे लिखा हुआ है कि अनबॉक्स बाय कुनाली, इस पे लिखा हुआ है अनबॉक्स बाय साहिल। तो पहले कुनाली खोलेगा। अरे बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, तो डब्बे में है, डब्बे में है श्री गणेश जी और ओम भी बना हुआ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट साहिल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए राजस्थान से अडवानी पूरे 1200 किलोमीटर से आया था, तीन बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक आपसे पर्सनली मिलना नहीं हो पाया। अच्छा तीन बार मिलने आ चुका है? राजस्थान से। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गणेश जी मिठाई है। गाइस दो पार्सल हो रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए हैं, तो चलो अनबॉक्स करते हैं, देखते क्या है। ये भेजा है पार्थ ने महाराष्ट्र पुणे से, ये भी गिफ्ट है, स्केच है देखो, सेम टू सेम लग रहा है भाई। थैंक यू, थैंक यू। जोधर जोशी ने भेजा, ये डिब्बा देखकर मजाक मत करना, इसमें उपहार भरा है, ज्यादा महंगा भले ना हो पर अनमोल प्यार भरा है। गाइस यहाँ पे जो भी सामान पड़ा है ना, सब सब्सक्राइबर ने भेजा है। हाँ मोस्टली। ओ टॉफी है, तो ये तो खा लेंगे हम। थैंक यू इतनी सारी टॉफियों के लिए। गाइज आज तो बस पार्सल पार्सल आ जा रहे हैं, दो पार्सल और आए हैं देखो, तो चलो ये भी अनबॉक्स करते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कपड़े हैं, देखते हैं कैसे कपड़े हैं। अरे मेरे लिए भाई, मेरे लिए है, देख ध्यान से देखा होगा साहिल भाई, तीन है, एक तेरा एक मेरा, पीयूष का एक तेरा। ये कलर मेरे को बहुत पसंद है, मैं डालता हूँ ये कलर, और ये भी प्यारा लग रहा है देखो। नेक्स्ट है व्हाइट स्कूबीडू भाई, तेरे को तो बिल्कुल सही लग रही है देख। अब तुम घर में मत डालियो, घर में मत डालियो, कहीं बाहर जाएंगे ना इवेंट वगैरह में तब डालियो। और गई आज हमारे घर पे देखो लाइटिंग भी लगा दी, दिवाली की यहाँ भी लगा दी, इस वाले घर पे भी लगा दिया, तो रात को दिखाऊंगा, रात को जलेगी ना जब, रात को दिखाऊंगा। और इस वाले घर पे भी लगा दिया देखो लाइट पूरी ऊपर से नीचे तक, तो रात को दिखाऊंगा रात को। ये इतना कूड़ा कैसे आ गया? आग जलाए ना, आग किसने जलाई? अच्छा गई, ये वाला घर ना दिखने में उस वाले घर से बहुत सही है, बाहर से भी अंदर से भी आपने देखा होगा, फर्नीचर भी है पूरा, और बाहर यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे, बट फिर भी हम यहाँ पे नहीं आते हैं, फिर भी हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं होते क्योंकि आदत पड़ गई ना वहाँ की। तो अभी गाइस अंधेरा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ सोसाइटी इतनी अच्छी लग रही है अंधेरे में, क्योंकि सारी लाइट जल गई है ना घरों में, तो बहुत ही सुंदर लगे लाइट्स के साथ, दिखाता हूँ चलो। ये देखो भाई दिवाली वाइब्स क्या मस्त लग रही है चारों तरफ। हमारा ये वाला घर देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ये हमारा मेन वाला घर, ये कुछ ऐसा लग रहा है देखो, बाहर पोर्च खड़ी है, इसके ऊपर देखो पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
अब चलते हैं मंदिर देख के आते हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो मंदिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। जय माता रानी। फिर दिवाली पे क्या जलाओगे? दिवाली पे अलग नहीं मिलेंगे कहीं सोच रहे हो? यही हैं आपके जो हैं, मैंने पहले बता दिया। क्या बना रहे हो? गडेरी। गाइस पहाड़ी सब्जी बन रही है, गडेरी की सब्जी, और साथ में मडुए की रोटी। साथ में मडुए की रोटी, ये भी पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी सब्जी पहाड़ी रोटी दोनों। ये मेट्रो चलाते हैं, मेट्रो देखना मुझे कैसा है ये। नहीं भाई पोस्ट के नीचे जा सकते, रहने दो यहाँ पे, रहने दो। उधर चला, उधर उधर भाई, किसी गाड़ी के नीचे चला गया दिक्कत हो जाएगी, मेरे को डर लग रहा है, रहने दो भाई। किसी गाड़ी के नीचे चला के दिक्कत हो जाएगी। अरे हो जाएगी, अभी रुक जा भाई। अभी कौन सा है ये? ओ वाओ, ये तो बहुत प्यारा है भाई, ये तो बहुत ही प्यारा है। एक और चला, एक और चला, एक और चला। कोई टेंशन नहीं हो गाइस, ऊपर ही जा रहा है ये, तो हम यहीं पे चला रहे, घर के बाहर ही जा रहे अपने। जल गया, जल गया। तो गाइस अब आ रही है मेट्रो पटाखा की, देखते हैं कैसा है भाई। इसको पे मारते हैं सब, तो नहीं जल रहा यार, टाइम लग रहा है जलने में। तो फुलझड़ी चाहिए इसके लिए। हाँ फुलझड़ी चाहिए। गाड़ी आ रही है, रुक जा, गाड़ी आ रही है भाई। एक बार में तो जलानी, गाड़ी आ गई है। चलो दोबारा ट्राई कर रहे हैं, अब ये टेढ़ा कर रहा है, देखो भाई पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। जल गया, जल गया, जल गया, जल गया। अब देखना गाइस, अब देखना। आज पहली बार चाची ने फोन छीना है उससे, पहली बार। हमेशा मैं छीनता था फोन, आज पहली बार चाची ने फोन छीना है भाई। तो गाइस अब करते हैं डिनर, गडेरी की सब्जी और मडुए की रोटी भाई। भाई बहुत टाइम के बाद खाई है ये वाली रोटी मैंने, अलग ही टेस्ट है गाइस। ये देखो मम्मी ने आंवले का अचार बनाया है, और ये जो टेस्टी होता है ना भाई, बहुत ही ज्यादा। ये नहीं होता है, वैसे खट्टा लगता है खाने में, ऐसे कर दिया तो बहुत बढ़िया। और ये खट्टा नहीं होता, एक दो आंवले रोज खा लिया।